Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ऐसे वस्त्र लोग पहनते हैं कि नजर छिप जाती है उस तरफ चेहरा करने से. If character is lost, everything is lost. तो राम गोपाल यादव उठा रहे हैं सवाल कपड़ों पर, उठा रहे हैं सवाल मॉडर्निटी पर. और सपा सांसद अखिलेश यादव के इन चर्चा के इन सवाल से बवाल लाजमी है. लाजमी है कि विरोधी रामगोपाल के कपड़ों पर कमेंट पर कसकर सपा को लपेट दे, अयोध्या मामले में घिरी सपा को फिर से घसीटे. नेताजी के बयान लड़के हैं, गलती हो जाती है, फिर से सोशल मीडिया पर तैरे. रामगोपाल के बयान से बवाल लाजमी है, लेकिन कब, क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में सपा के राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के बड़े के नेता ने ये बयान दिया, अब जरा वो भी जान लीजिए. दरअसल सपा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इंस्टाग्राम रील्स पर बोल रहे थे, रील्स बनाने वालों पर भड़क रहे थे. इस दौरान रामगोपाल ने कहा कि लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं कि नजरें झुक जाती हैं. इस दौरान वो परम ज्ञान की बातें करते हैं, सुनिए जरा. तो अंग्रेजी छठवें क्लास से पढ़ाई जाती थी और जब अंग्रेजी थोड़ा सा सीख लेता था छात्र तो टीचर एक वाक्य रटवाता था उनको कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. मैं बहुत चिंता भी है और अफसोस भी है कि इस धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ चैनल्स भी और कुछ उसमें चलने वाले प्रोग्राम्स निरंतर वल्गैरिटी और वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में. स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा इंस्टाग्राम रील प्ले का. देश के बड़े पैमाने पर युवा और नई पीढ़ी एक अनुमान के अनुसार से लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं उन सीरियल्स को और बहुत ही भद्दे और अश्लील किस्म के प्रचारों प्रचार को देखने के लिए. इससे बहुत सारी विकृतियां समाज में पैदा हो रही हैं. आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब इंस्टाग्राम पर मित्रता हुई, शादी हुई, लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया, कहीं लड़की मर्डर लड़के का सारा सामान चुरा के चली गई. रोज घटनाएं होती और हम लोगों के ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ दिन में एक बार सारे परिवार में माँ बाप बेटे बहन भाई बच्चे सब साथ बैठ लेते थे. अब तो सब फोन में उलझे रहते हैं. तो जो एफिनिटी है, जो बॉन्ड हैं रिलेशंस के, मित्रता के संबंध हैं, उनमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी. निरंतर हम लोगों को सूचनाएं मिलती रहती हैं समाचार पत्रों के द्वारा और हमारे आस पड़ोस में भी घटनाएं घटती रहती हैं कि कहाँ बेटे ने बाप को मार दिया, क्योंकि वो जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. जो आपस में बैठ के रोज अपनी बातें करते थे, साथ खाना खाते थे, वो नहीं है. जो उस वक्त होता है तब फोन में लगे होते हैं. और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन और शुरू हो गई है, उस ये स्मार्टफोन्स ने बच्चों तक ये सारी चीज़ें, सारी गंदगी पहुंचाने का काम किया है. नतीजा ये हुआ है कि जो एक मिनट हमारी पहले से चली गई, वो समय हमने दिया. नतीजा ये हुआ है कि जो न्यूट, मैंने एक बार आप ही चेयर पर थे बहुत पहले हाउस में कहा था कि जब भी किसी समाज में न्यूडिटी और एल्कोहलिज्म बढ़ जाता है तो कई सभ्यताएं इससे नष्ट हो गई. और वो स्थिति हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है. सब समय दे दिया. ऐसे ऐसे अर्नल्ड टॉयनबी का मैंने कोट किया था, ऐसे 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 वस्त्र लोग पहनते हैं कि न
नजर छुप जाती है उस तरफ चेहरा करने से। थैंक यू। इधर राम गोपाल यादव बोल रहे थे, उधर उनके पीछे जया बच्चन बैठी अलग अलग रिएक्शन दे रही थी। वैसे इस पर आपका रिएक्शन क्या है? रामगोपाल यादव की इंस्टा रील्स और ड्रेसिंग के स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।